नोरा को आज इसलिए बुलाया गया था ताकि वो पिंकी से कन्फ्रंट करा सके। तो जो जो कुछ विरोधाभास आ रहे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन हमने आज क्लियर कर लिए हैं दोनों को साथ बुला के। और साथ में ही नोरा के एक ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी कज़न के हस्बैंड, जो गाड़ी नोरा को दी गई थी वो उन्होंने रिसीव की थी, तो उनको भी बुलाया गया था। और वो सारी चीज़ें अब हमने जो BMW गाड़ी थी वो सब क्लियर कर लिया। पिंकी ईरानी ने ही इन सबको मिलवाया था, नोरा को भी उसी ने मिलवाया था। सुकेश की वाइफ है लीना, उसका एक स्टूडियो है चेन्नई में जैसा आपको पता ही है, तो उसका कुछ फंक्शन था उसके अंदर इसको बुलाया गया था। और उसमें इसको कहा गया कि भई आप फीस मत लीजिए और ये कार आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा शक हो गया जैसा ये बता रही है कि भई ये बार बार मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसके बाद इसने उससे संपर्क तोड़ दिया। नौरा का ब्रदर इन लॉ है महबूब, उसने ये कंफर्म कर दिया कि यही वो लेडी थी जो आके मिली थी उसके बिहाफ पे, इसी ने वो गाड़ी वगैरह भिजवाई थी। तो उससे वो पुख्ता हो गया, सुकेश की एजेंट ये पिंकी थी और पिंकी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें गिफ्ट की गई थी नौरा के ब्रदर इन लॉ को, नौरा के ही कहने पर। तो ये सारी चीज़ें आज कॉरोबरेट हो गई। नौरा की नॉलेज में नहीं था ये बहुत बड़ा ये क्राइम सिंडिकेट है या ये बहुत बड़ा कॉन मैन है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही उसको कुछ आभास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसने संपर्क तोड़ दिया, ये चीज़ ज़रूर है। तो उसी आधार पे हम आगे उसके खिलाफ या उसके ना जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, विटनेस बनाना है जैसे भी है, तो अभी तक तो ओपन है क्योंकि अभी और काफ़ी सारे लोग आने हैं। तो जो भी फैसला होगा सारी सरकमस्टांसिस को देखते हुए, सारे स्टेटमेंट्स को देखते हुए, सारे एविडेंस को कलेक्ट करके हुए, और फिर एक टीम का जो डिस्कशन होता है कि किसके खिलाफ कितना पुख्ता क्या सबूत है, उसके आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें।